नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के छुट्टन यादव। हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उनमें चौमू के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी छुट्टन यादव ने बहुत ही अच्छे मत लेकर के एक नया ही यहाँ पर एक मिसाल चौमू विधानसभा क्षेत्र में कायम की है। इन्होंने तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन दोनों ही पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उनकी नींदे हराम कर दी। आखिर इन्होंने ऐसा अंजाम कैसे दिया, कैसे इन्होंने कैंपेन की, इसके बारे में हम जानते हैं इन्हीं से। हाँ छुट्टन जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम के अंदर। आपने ये जो कैंपेन किया, कैसे क्या कैंपेन किया? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने मेरे को अवसर दिया इस चैनल में समक्ष प्रस्तुत होने का। सबसे पहले तो मैं विधानसभा क्षेत्र चौमू की संपूर्ण 32 बिरादरी के लोगों को और आम जनमानस को हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस बेटे और दोस्त को ऐसा आशीर्वाद दिया है जहाँ आज तक किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाया। और रही बात कैंपेनिंग की, मैंने डोर टू डोर विगत 2 महीने से ये प्रयास मैंने किया है। हो सकता है कि मेरे प्रयास में कहीं ना कहीं विफलता रही होगी। मैंने प्रत्येक गाँव और ढाणी और वार्ड तक पहुँचने का प्रयास किया है, लेकिन हो सकता है कि मैं पहुंच नहीं पाया। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी ये रही है कि जो मेरे सामने कांग्रेस और भाजपा की जो प्रत्याशी थे, उनकी उम्र आप देखेंगे और मेरी उम्र देखेंगे, उनकी उम्र मेरे पिताजी के समान है और मैं उनके एक बेटे के समान मैंने चुनाव लड़ा है। लेकिन इस जनता ने आज मेरा इतना बड़ा कद बढ़ा दिया, इसके लिए मेरे शब्द नहीं है कि जनता और जनार्दन के लिए मेरे क्या शब्द बयां करूं। ऐसा सहयोग प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग का मेरे साथ जुड़ा रहा है। छुट्टन जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता का जुड़ाव ही उनको इतने मत दिला पाया है। छुट्टन जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने काउंटिंग के दौरान, काउंटिंग का जब काउंटिंग वाला दिन था, तो उस रोज आपकी दिनचर्या क्या थी? सुबह मैं लगभग 3:30 बजे उठ गया था। फिर उठ के मेरे जो नित्यक्रम थे वो करके, फिर मैं, मेरे इष्ट सदैव रहे हैं मेरे माता पिता जी, उसके बाद मैं बालाजी के दर्शन करने हनुमान जी शाम उठ गया। फिर हमारे चौमू के आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन किए, गढ़ गणेश जी के दर्शन किए, उसके बाद में वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करते हुए मैं जो काउंटिंग राजस्थान कॉलेज में हुई वहाँ मैं पहुँचा। छुट्टन जी का साफ तौर पर कहना है इनके आराध्य देव हैं हनुमान जी हों चाहे वीर तेजाजी हों, उनको याद करते हुए इन्होंने ये चुनाव लड़ा है। आखिर इन चुनावों में आपके कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर के आप जनता के बीच में गए थे? जनता के बीच में मैंने मुद्दे इस प्रकार से बनाए थे। पहले मैंने एक परिवर्तन यात्रा 27 सितंबर को जब निकाली तो राजस्थान में तीसरे मोर्चे ने जो लड़ाई लड़ी है वो 3 सीटें कहीं ना कहीं हम जीत पाए हैं। और हमारे मतदाता इस पूरे विधानसभा चुनाव में लगभग 15 से 20 लाख मतदाता हमारे बने हैं पार्टी के। उसी हिसाब से मैंने जब परिवर्तन यात्रा निकाली तो हमारा मुद्दा था कि राजस्थान टोल मुक्त राजस्थान बनना चाहिए, किसान को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, नौजवान साथियों की जो 4 लाख पिछली गवर्नमेंट ने जो योजनाएँ निकाली थी, गवर्नमेंट कर्मचारी 4 लाख की भर्तियाँ, वो कहीं ना कहीं कोर्ट में आज अटकी हुई है, 3 लाख पद बाकी है। ऐसे अनेक प्रकार के मुद्दों को लेकर मैं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक वंशवाद की राजनीति को ख़त्म करने के लिए सब लोगों से आग्रह किया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों आपस में मिली हुई सरकारें हैं और इनके जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भगवान साई जी सैनी हो चाहे रामलाल जी शर्मा हो, उनकी मिली भगत से 5 साल मैं राज करता हूँ, 5 साल तू कर। इस परंपरा को मैंने तोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास जरूर किया है, लेकिन जनता और जनार्दन का आशीर्वाद पूरा नहीं रहा। लेकिन जनता ने बहुत अच्छा मेरे पर आशीर्वाद किया, संघर्ष मैं और करूंगा, जहां तक नहीं पहुंच पाया वहां तक मैं फिर से पहुंचूंगा और जल्दी ही 2-4 दिन में एक धन्यवाद यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गांव और ढाणी और नगर तक मैं पहुंचने का वापस। छुट्टन जी, कमी कहां मानते हो, आपकी कहां कमी रह गई? कमी मेरे अंदर एक ही रह गई, क्योंकि उनके पास विगत 70 वर्षों की वो दोनों पार्टियाँ, कांग्रेस और भाजपा। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 20 दिन में बनी है और मैं 2010 से 2018 तक 8 साल मैंने भी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक सरोकार के काम हो चाहे रक्तदान शिविर के माध्यम से नरसेवा नारायण सेवा का मैंने काम किया है। कमी एक ही रही है कि उनके कार्यकर्ता इतनी संख्या थी, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की संख्या उन दोनों की दृष्टि से कम नहीं थी। चाहे वो आम जनसभा मान लो, अगर वो आदमी दोनों वर्तमान में CM पूर्व CM राजस्थान हमारे चौमू में पदार्थ हैं, उनके बीच में मैंने सभा कराई और वो सभा ऐतिहासिक सभा रही, आप सब लोगों को इस बारे में व्यतीत है। वो दोनों प्रत्याशी एक सभा में सिमट गए। मैंने 2 सभा इन चुनाव में कराई, एक रोड शो ऐसा करवाया कि ऐतिहासिक रोड शो रहा, लोगों को चर्चा का विषय कहीं ना कहीं रहा। और आज मेरी हार नहीं है, मेरी कहीं ना कहीं जीत हुई है,
क्योंकि मेरे पास मेरी पार्टी नहीं थी और मेरा ये पहला चुनाव था। छात्र राजनीति के चुनाव अलग होते हैं, ये विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं। मैंने छात्र संघ चुनाव खूब कराए हैं, प्रत्येक हर साल, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हमारे चौम में आरएलसी या पीजी बोले कालाडा का हो। इन चुनावों में मेरे पास जो व्यवस्था थी, धनबल और बाहुबल, ये कहीं ना कहीं हावी दिखा। और जो लोगों की आम मानसिकता जो थी, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग मेरे को एक थोड़ा सा निराशाजनक मेरे को महसूस हुआ है। बाकी जनता का आशीर्वाद, प्यार और प्रेम खूब मेरे को मिला है। तो छुट्टन जी, आमतौर पर देखने को मिलता है कि अधिकतर प्रत्याशी जो हार जाते हैं वो बैठ जाते हैं, आपकी आगामी योजनाएं क्या रहेगी? आप किस प्रकार से जनता के लिए क्या करना चाहोगे, क्या योजना बना करके आप आगे बढ़ोगे? मेरी योजना यह है भाई, मैं पहले भी 365 दिन जनता के बीच में रहकर कार्य करता था, आज भी 365 दिन इस जनता के मुद्दों को लेकर, हमारी विधानसभा की जो समस्या है उनको लेकर मैं लड़ाई लड़ूंगा। चाहे वो लड़ाई मेरी हो सकती है कि मौका नहीं मिला कि मैं विधानसभा में लड़ता, लेकिन दुर्भाग्य मेरा है, इससे ज़्यादा चौमू की जनता का नहीं है। इस दुर्भाग्य को मैं ऐसा निभाऊंगा कि विधानसभा में लड़ाई लड़ने के लिए हमारा शेर पहुँच चुका है, और विधानसभा की बाहर की जो लड़ाई है वो लड़ाई चाहे रोड पर मैं लड़ूंगा, चाहे जो समस्याएं हैं, चाहे वो जल की समस्या हो, चाहे जिस प्रकार से नौजवान बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं, गवर्नमेंट उनको रोजगार के अवसर नहीं दे रही है, इन सब मुद्दों को लेकर मैं विगत 5 वर्षों में, जो आगामी 5 वर्ष रहेंगे, इन 5 वर्षों में जी तोड़ के मेहनत करूँगा हर मुद्दे पर। चाहे वो नगरपालिका में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हमारे नगरपालिका में हो रहा है, उसके खिलाफ भी मैं एक अच्छा एक प्रयास करूँगा, और एक जन आंदोलन में वापस से मैं शुरुआत करूँगा उसी हिसाब से जिस हिसाब से मैं पहले चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कमी नहीं आने दूंगा, रात और दिन मेहनत करूँगा। छुट्टन जी का साफ तौर पर कहना है कि ये जन समस्याओं के लिए जनता के हमेशा साथ रहेंगे। हम भी छुट्टन जी से यही आशा करते हैं, यहाँ के जो निवासी हैं वो भी यही आशा करते हैं कि ये जो जन समस्याएं हैं इनको समय समय पर उठाते रहें। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिनेश कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड 24, चौमू।